ऑफिस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। अब आप 1 लाख रुपए का बिजनेस लाइन की वजह से तो प्रॉफिट कमा रहे हो, बट आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने हैं 1.5 लाख रुपए कि अल्टीमेटली बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं हो रहा, आपका ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है 50,000 का। तो यहां पर ये प्रॉफिट बहुत हद तक डिसाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या, पहली चीज वेदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैन बी रिड्यूस्ड, यस और नो, पहले तो ये सोचो। सेकेंड, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिड्यूस हम कर सकते हैं, एंड सेकेंड चीज वेदर ग्रॉस प्रॉफिट्स कैन बी इंक्रीज्ड टू कवर अप ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या तो ये बड़े ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिकवर हो या ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो ताकि ग्रॉस प्रॉफिट से कंपनसेट हो। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो शट डाउन करते हैं, और अगर पॉसिबल है तो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा उतना बेस्ट, उतना प्रॉफिट बिजनेस से आप कमा रहे हो और उतना आप एक्सपेंशन की तरफ बढ़ोगे। सपोज आपके ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है से वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 है, अरे वारे नहीं आ रहे आपके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है आपको बिजनेस करके कितने का, 80,000 का। आप उसे और ग्रोथ की तरफ लेके जाओगे, एक्सपेंड द बिजनेस और बढ़ाओ इसे, तो ये दोनों प्रॉफिट्स का आपको मकसद समझ में आ गया। अब आते हैं नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स आपने कैसे निकाले थे, एज सच नेट प्रॉफिट होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये क्या है, पहले तो कुछ और पढ़ाया था, अभी सब बता रहा हूं, ध्यान से देखो। तो एक चीज आपको यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, ये मैंने जो समझाया ऐसी कुछ जैसे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए लिखवाया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए भी लिखवा देता हूं। या लिखिए आप पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में लिख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हेल्प्स इन डिसाइडिंग डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स लाइक reducing operating expenses or increasing gross profit to continue the business इन लॉन्ग रन। ठीक है, और कैसे निकाले हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सर ये आपने निकाले ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब चलो यहां पर आपको एक बात और बता दूं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही था, इसमें माइनस और हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला था ना, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने लिखा, क्या मैं माइनस साइन कॉमन लेकर यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो,
और इसको मैं कंबाइनली नाम देता हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट, घबरा मत जाना, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जड़ेगा तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। समझ में आ गई बात यहां तक? सारी एक समरी भी मैं एंड में बनाऊंगा, पहले आप यहां तक समझो। अब आते हैं तीसरे, कौन से? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट्स के बेसिस पर वी डिसाइड, या मैं और बेटर वर्ड्स के अंदर लिखूं तो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नेट, या हाँ नेट ही लिख लो, नेट पिक्चर ऑफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर। जो भी आपने बिजनेस ऑपरेशंस पूरे साल की, उसकी जो एक नेट पिक्चर आई, एग्जाम्पल के तौर पे आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल लिए थे। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलते हैं जिससे पता लगता है बिजनेस लाइन टर्मिनेट करनी है या कंटिन्यू, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिससे पता लगता है कि क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स हम कुछ डिसाइड करते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं, अब दोनों टर्म्स मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होती हैं, जो ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली लिंक नहीं है, जिसका मैंने एग्जांपल क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये एग्जांपल दिया था। और इसका क्या एग्जांपल दिया था, रेंट रिसीव्ड। यहाँ क्या एग्जांपल दिया था, इंटरेस्ट रिसीव्ड, होपफुली आपको याद हो, ये एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देते हो तो आपका आता है नेट प्रॉफिट। देखो इसके बेसिस पर हम कभी ये डिसीजन नहीं लेते कि वेदर टू कंटिन्यू द बिजनेस और नॉट, वो डिसीजंस हमेशा लिए जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे। इस पे क्यों नहीं लिए जाते, समझना जरा। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, लॉस बाय फायर। यार एक बात बताओ, सपोज आपने 10 लाख रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाए थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके आ रहे थे 10 लाख, बट आपका लॉस बाय फायर हो गया इस साल 15 लाख का, तो आपका हुआ क्या, नेट लॉस आ गया 5 लाख का, तो क्या बिजनेस बंद कर दोगे? क्या भगवान से लिखवा के आए हो कि हर साल आपका 15 लाख का लॉस बाय फायर होगा? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं नॉन ऑपरेटिंग, जो मैंने आपको बोला डायरेक्टली लिंक विद बिजनेस ऑपरेशन नहीं है। इसके बेसिस पर मैं कभी ये डिसीजन नहीं लूंगा कि मुझे बिजनेस चलाना है या बंद करना है। ठीक है, मुझे इस साल पता लग गया मुझे 5 लाख का नुकसान हुआ है, जिसमें एक ये नॉन रिकरिंग फैक्टर है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। अगर आप बिजनेस बंद कर दोगे तो क्या आपको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना पड़ेगा? तब भी देना पड़ेगा। तो इस इंटरेस्ट ऑन लोन का मुझे बिजनेस चलाना चाहिए या बिजनेस बंद करना चाहिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेट प्रॉफिट मैंने लिखा, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नेट पिक्चर ऑफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर, बट बिजनेसमैन नेवर टेक द डिसीजन टू कंटिन्यू और शट डाउन द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट के बेसिस पर कभी भी ये डिसीजन नहीं लेता, कभी भी नहीं लेता। ठीक है, एक ओवरऑल पिक्चर पता लग गई। अब आप कहोगे, मेरे पीछे पड़ने वाले हो आप, आपने तो ये सिखाया था नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जब से आपने तो ये सिखाया है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अरे भाई यही सिखाया है, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, क्यों नाराज हो रहे हो? एक बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट ये सिखाया था सबसे पहले, तो ग्रॉस प्रॉफिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं बताओ भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यही होते हैं। नाराज तो नहीं हो रहे, ज़्यादा पढ़ा दिया, आदत से मजबूर हूँ मैं, बड़े डिटेल में पढ़ाना जानता हूँ बस। ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस पैसा ही ना आ गया ना, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यही आया। और ये किसका फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो देखो वो फॉर्मूला बन गया जो पीछे लिखा था, कुछ नया थोड़ी ना, सब कुछ वही घूम रहा है, ले दे के वही मोह माया है, वही जंजाल है, है? ये तीनों प्रॉफिट्स निकालने के मकसद बताए। लेकिन इसमें आप ले दे के अपनी बात ध्यान रखना, हम ये ट्रेडिंग पीएनएल से, ये पीएनएल से, बट ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग पर्पस से वर्किंग में निकालते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स के लिए निकालते हैं सेपरेटली, बट इसको किसी अकाउंट बना के हम नहीं निकालते। समझ में, अकाउंट्स में हम दो ही निकालते हैं, ट्रेडिंग और पीएनएल, ट्रेडिंग से टर्मिनेशन, पीएनएल से ओवरऑल पिक्चर। ये डिसीजन मेकिंग अफेक्ट नहीं करेगा, ये डिसीजन मेकिंग अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं एक समरी तैयार करूँ सारे के सारे फॉर्मूलेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अब आपके लिए, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस सॉरी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, उसी तरीके से बना देता हूँ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका नाम क्या रखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यही नाम रखा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक का नाम क्या रखा, एडजस्टेड परचेजेस, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी अकाउंट से नहीं निकलते, बट फिर भी कैसे निकलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यही होते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या होते हैं, नेट प्रॉफिट के अंदर कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। या दूसरा फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो, ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है। और एक बात जो आपको लास्ट ध्यान रखनी है वो ये, अगर वर्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा हुआ है तो इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है प्लस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी। तो तीनों प्रॉफिट निकालने का मकसद, कैसे निकलेंगे, क्या फॉर्मूले हैं, क्या बेसिक वर्डिंग्स हैं, सारी की सारी बातें इस पॉइंट तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका। अब हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे जिसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें निकालना सीखेंगे कैसे, और फिर हम फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट वाले पोर्शन के ऊपर आएंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर बस थोड़ी सी और समझ लो आप, ये जो परचेज और सेल्स है इसको लेके थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पका रहा, पक्का प्रॉमिस है, बिल्कुल नहीं पकाऊंगा, बहुत पका लिया अब तक। सेल्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, नेट सेल्स, जो कि निकलती है सेल्स मतलब ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जिसको हम दूसरा नाम देते हैं रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। ग्रॉस सेल क्या होती है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ठीक है। सेम वे परचेजेस का मतलब क्या होगा, नेट परचेजेस, कैसे निकलते हैं,
ग्रॉस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। ये कैसे निकलती हैं? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। गुड, क्वेश्चन में अगर सिर्फ परचेज लिखा हुआ है, इफ ओनली सेल्स परचेज इज मेंशन, एज्यूम इट टू बी ग्रॉस, आप उसे क्या मानोगे? ग्रॉस सेल मानोगे, मतलब सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न है तो आप उसे क्या माइनस करोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था रेंट और डेप्रिसिएशन को लेके भी, रेंट और डेप्रिसिएशन हम क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट। अगर क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिक कुछ तो डायरेक्ट मानेंगे, अगर कुछ नहीं गिवन तो हम इनडायरेक्ट मानेंगे, ठीक है। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, वेजेस सैलरी, सैलरी वेजेस भी हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक आधा कोई पॉइंट होगा तो वो हम क्वेश्चन करते हुए कवर अप करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस पावर सैलरी रेंट डेप्रिसिएशन वेजेस कैरेज सेल्स इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट रिसीव इंटरेस्ट। आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालना है और ट्रेडिंग एंड पीएनएल भी इसमें हम बनाएंगे। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन, ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो क्या होता है बताओ? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स अगर हम देखें तो हमें डायरेक्टली गिवन है 2.5 लाख रुपए, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमें फॉर्मूला याद है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अगर मैं देखता हूँ ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर हमारे पास है 30,000 रुपये का, ठीक है, परचेजेस आपका है 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका नहीं दिया, वेरी गुड, चलो क्लोजिंग स्टॉक आप क्वेश्चन में लिख लो, है सर क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, हम भी कर लें एग्जाम में, नहीं तुम अलाउड नहीं हो, 10,000 ले लो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब इसमें बहुत सारे हैं निकालने पड़ेंगे, पावर है, सैलरी नहीं लेंगे, इनडायरेक्ट है, रेंट इनडायरेक्ट है, मैंने बताया था इन दोनों के बारे में कुछ ना लिखा हो तो इनडायरेक्ट लेना है, वेजेस है, आपका जो कैरेज है, अब कैरेज के आगे भी नहीं लिखा हुआ, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो अगर कैरेज के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप उसे इनवर्ड मान लोगे, क्या मानेंगे हम इसे? इनवर्ट, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो। तीन आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, पावर 5,000, वेजेस 10,000 और कैरेज 5,000, तो आपका ये आ गया 10,520 माइनस 10 प्लस 1 लाख, यहाँ आपका 30, तो 1,30, 1,50 में से 10 गया, 1,40,000, ठीक है। तो यहाँ आपने 1,40,000 माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये कितना आ गया आपका? 1,10,000, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं 1,10,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर हम देखें दो तरह के होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटर। कौन कौन से आपको यहाँ पर दिख रहे हैं? सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब ऑपरेटिंग है और बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन लोन नॉन ऑपरेटिंग है, रेंट रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो सिर्फ तीन यहाँ पर हैं, 30,000, सॉरी 3,000 है
8,000 और 2,000, तो लेते हैं इसे 3,000, 8,000 और 2,000, 1,10,000 माइनस 13,000, ये आपका आ गया 97,000। ठीक है, अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड और सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड, 97 आ चुका। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पर अगर आप देखो तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन है, कितने का? 10,000 का, और ये रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। माइनस 10,000 प्लस 9,000, तो ये आ गया 96,000। ठीक है, तो तीन कुछ नहीं किया मैंने, और कॉन्सेप्ट समझ लो आप, मेरी कोई वीडियो देख लो, मैं सिर्फ फोकस ही कॉन्सेप्ट पे करता हूँ, बिकॉज वंस द कॉन्सेप्ट गेट्स ओवर यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम। और कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, कर लो 100 क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, परेशान हो जाओगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक क्वेश्चन कर लिया, दो क्वेश्चन कर लिया, फिर उठा लो कोई भी रैंडम बेसिस पे क्वेश्चन, आपको दिक्कत नहीं आएगी, चैलेंज है मेरा। अब बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L, वो भी सिखाई दो सर, ध्यान से देखिए। ओपनिंग स्टॉक, क्या क्या लिखते हो पहले लिख लो सब, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, यहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम गिवन है, चलो अब ये लिखते हैं, जरा देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज है 1,00,000, सेल्स कितनी है 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 थे, कहाँ है ये रहे, पावर, वेजेस और कैरेज, 5, 10, 5, 5, 10, 5, पावर, वेजेस और कैरेज, यहां क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आया? कुछ भी नया नहीं कर रहा है यार, वही है जो सारे ड्रामे आपको सिखाए हैं अभी तक मैंने, कुछ नया है बताओ? कॉन्सेप्ट फोकस कर लो, बार बार यही समझाता हूँ। माइनस 30, माइनस 1,00,000, माइनस 5,000, माइनस 1,30, 1,35, 1,45, 1,50,000, 1,10,000। कई बार कैलकुलेशन मुंह जबानी ज़्यादा बेटर हो जाती है। चलिए यहाँ फिर वही कॉपी, ग्रॉस प्रॉफिट, ये P&L बनता है इस तरीके से। अब आप सीधे नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आप लाइन से लिख दो, आपको उसे बाइफरकेट नहीं करना, वो तो आप यहाँ पर अलग अलग निकाल रहे थे, ऑपरेटिंग अलग नेट अलग, बट यहाँ पर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, सैलरी, भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग भी आते हैं उसमें और नॉन ऑपरेटिंग भी आते हैं, ये सुनो, तो आप सारे लिख दो, सैलरी, रेंट, चाहे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब लिख दिया आपने, किसी को नहीं बख्शेंगे। सैलरी 3, रेंट 8, डेप्रिसिएशन 2, 3,000, 8,000, 2,000, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 10,000। ठीक है, इसके बाद इधर
जो आपको रेंट रिसीव हुआ और जो आपको इंटरेस्ट रिसीव, कितना भाई? 6 और 3, 3 आप निकाल के देख लो नेट प्रॉफिट, जिसको मैं कहाँ लेके जाता हूँ, कैपिटल में। ऐसे ही आपको ये लिखना होता है। तो 1,10,000, 6,000, 3,000, 1,19,000, 8 और 3 11, और 2 13, और 10 23, 96,000। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। तो अभी तक आपने जितना मेरे साथ सीखा था वो हमने देखा कि किस तरीके से सारे की सारी चीज़ें करनी हैं, ठीक है। होपफुली आपको इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे, प्लस इसके एडजस्टमेंट्स किस तरीके से डील इन की जाती है वो सारी एक एक चीज़ देखेंगे। इनफैक्ट बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ वो तो हम इसी में देख लेते हैं। बैलेंस शीट इज लाइक पोजीशन स्टेटमेंट, सबको बनानी आती है वो। सारे असेट्स जितने भी हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो हम लिखते हैं। असेट्स में हम दो कैटेगरी लिखते हैं, फिक्स्ड असेट यहां पर, जिसको अंदर हम बिल्डिंग, फर्नीचर, जितने भी आपके फिक्स्ड असेट हैं, लैंड, इंटेंजिबल भी हैं चाहे, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, जितने भी फिक्स्ड असेट्स हैं वो सारे के सारे हम लिखते हैं। और फिर क्या लिखते हैं हम सारे, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं आपको पता है। करंट असेट जितने भी हैं क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन बी कैश, डेटर, स्टॉक, बहुत सारे आपको पता है। कोई भी करंट असेट है तो वो, या करंट असेट क्या होते हैं, जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टेबल इन कैश विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसका एग्जांपल है लिख सकते हो, या आउटस्टैंडिंग इनकम भी करंट असेट है, लिख देता हूँ मैं इसके अंदर, वो दो एग्जांपल भी लिख लो, बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस आपको पता है, नहीं पता तो हाउ टू बी अ मास्टर ऑफ जर्नल एंट्रीज पार्ट 3 के अंदर मैंने कवर किया हुआ है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम्स। यहाँ पे लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आती है, जो भी कैपिटल है उसके अंदर जो भी प्रॉफिट्स आए हैं उसको हम ऐड करके यहाँ शो करते हैं। उसके बाद जितने भी लायबिलिटीज हैं वो सारी एक एक करके, जैसे बैंक लोन अगर ले रखा है किसी तरीके का, या लोन फ्रॉम फ्रेंड है, ठीक है, या करंट लायबिलिटीज, उसके बाद जितनी भी हैं लाइक विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम्स, ये सब हमारे लिए करंट लायबिलिटी। प्रीपेड इनकम क्यों करंट लायबिलिटी है, अगर आपको इनकम एडवांस में मिल गई तो जब तक आपने मुझे फीस एडवांस में दे दी तो जब तक मैं आपको पढ़ाना दूँ वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। इनकम तो एडवांस में आ गई, प्रीपेड आ गई, जब तक पढ़ा नहीं दूंगा मेरे लिए लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट ये इस तरीके से आपकी होती है, ठीक है। देखिए बैलेंस शीट बनाने का एक अभी आपने तरीका देखा जिसमें मैंने क्या किया, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, और इस तरीके से जो एक वर्ड होता है मार्शलिंग,
ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। मार्शलिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का मतलब है कि किस तरीके से हम बैलेंस शीट के अंदर असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं। मैनर इन विच असेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, इसके भी दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ परमानेंस में और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या डिफरेंस है? इसमें हम मोर लिक्विड असेट्स आर शोन फर्स्ट, मतलब इसमें हम सबसे पहले शो करेंगे, अगर इस हिसाब से बना रहे हैं, पहले करंट असेट्स को और फिर शो करेंगे या लायबिलिटी को और फिर शो करेंगे फिक्स्ड असेट्स को या कैपिटल को। बट अगर हम परमानेंट बेसिस पे बना रहे हैं तो इसके अंदर हम लेस लिक्विड असेट्स आर शोन फर्स्ट। समझ में आई बात? इसके अंदर हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे? फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, और उसके बाद क्या दिखाएंगे? करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी, और उधर लायबिलिटी साइड से बात कर रहे हैं तो इधर पहले क्या आएगा? कैपिटल। तो ये जो बैलेंस शीट आप बनाते हो जनरली, ये बैलेंस शीट आप कौन से बेसिस पे बनाते हो? परमानेंट बेसिस पे। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर से थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपने पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट देखा कि किस तरीके से हम सारी चीजें कहाँ लेते हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल में सारे इनकम एक्सपेंस, यहाँ सारी आपकी असेट लायबिलिटीज, और किस तरीके से वो भी आपने मेरे साथ पूरा का पूरा देख लिया।